السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हयात बहादुर यानी बहादुरान इस्लाम इस्लाम के जो बहादुर लोग गुजरे हैं उनकी हयात उनकी सवानेह के ताल्लुक से ये सिलसिला हमारा जारी है। आज की हमारी जो शख्सियत है वो है हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीनुल उम्मत का लक़ब अता फ़रमाया। आजकल भी बहुत से यानी कि जो उलमा मशाइख होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ इस तरह का हम लक़ब दे देते हैं, हम खुद ही से दे देते हैं, है ना। जिसका भी यानी कोई भी मिल्लत के नाम से यानी कि जैसे मिसाल अभी जो वाकई में है हकीकत में जैसे अमीन मिल्लत हैं, इसी तरह से और भी शफीक मिल्लत हैं या इस तरह के जितने थे पुराने बुजुर्गान दीन मुजाहिद मिल्लत गुजरे हैं, तो इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु को अमीन उम्मत का लक़ब अता फ़रमाया। आपका नाम आमिर और आपके बाप का नाम अब्दुल्लाह था, आमिर इब्न अब्दुल्लाह, लेकिन आप अबू उबैदा के नाम से लक़ब से मशहूर हुए और आपके बाप जो हैं वो जर्राह के नाम से मशहूर हुए। नजरान के ईसाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए हुए थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमानतदार ईमानदार अमानतदार कोई आदमी हमारे साथ कर दीजिए जो हमें दीन की तालीम दे, हमारे लोगों को दीन सिखाए और इस्लाम की तालीमात आम करे, तो कोई आदमी साथ कर दीजिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने यानी सवाल ही ये किया था कोई अमानतदार आदमी दे दें, तो सरकार ने फरमाया मैं तुम्हें एक ऐसा आदमी दूंगा, तुम्हारे साथ ऐसा आदमी भेजूंगा कि जो पूरी उम्मत का अमीन है, जो पूरी उम्मत का अमीन है अमानतदार है। और फिर उसके बाद सारे सहाबा बैठे हुए थे, हर कोई शौक और जस्तजू में था कि कौन होगा वो कौन होगा। सरकार ने हज़रत अबू उबैदा को देखा, देख कर मुस्कुराए, फरमाया खड़े हो जाओ। हज़रत अबू उबैदा खड़े हुए, सरकार ने फरमाया ये मेरी उम्मत के अमीन हैं, ये मेरी उम्मत के पूरी उम्मत के अमीन है। तो तब से आपका लक़ब अमीन उम्मत हो गया, अमीनुल उम्मा के लक़ब से मशहूर हैं। अशरे मुबशरा में से हैं वो 10 लोग के जिन्हें दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी मिली, उनमें से एक हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं। आप बड़े ही बहादुर थे, दुबले पतले से थे, लंबे हाइट बहुत ज़्यादा थी, दुबले पतले थे, सीना भी लंबा हाइट भी लंबी और दुबले पतले, छोटी सी यानी कि दाढ़ी थी आपकी, बहुत ज़्यादा घनी नहीं थी, जो हल्की फुल्की सी दाढ़ी थी। और हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर का सिपा सालार बनाया था। जब भी कभी रवाना किया किसी मुहिम पर तो आपको सिपा सालार बनाया, और आप सिपा सालार होते तो आपके मातहत में अबू बकर उमर भी हुआ करते थे। हज़रत अबू बकर उमर भी आपके सिपाही के तौर पर लश्कर में शरीक होते थे। तो अल्लाह हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बहादुर थे। सबसे पहली जंग जो इस्लाम की पहली जंग है वो है जंग बद्र, जिसमें जंग हुई। तो जंग बद्र में अबू उबैदा इब्न जर्राह मुसलमानों की जानिब से थे और जर्राह जो है उनका बाप वो कुफ्फार मुशरिकीन की जानिब से था। वैसे ही जब आप यानी कि हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह पुराने मुसलमानों में से शुमार किए जाते हैं, साबिकीन अव्वलीन में शुमार होता है, और आपने इस्लाम कबूल किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक की दावत पर, हज़रत सिद्दीक अकबर मुसलमान हुए, तो फिर सिद्दीक अकबर का जोश व जज्बा हम एक यानी सिलसिले में सिद्दीक अकबर को भी लाएंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि वो भी बड़े बहादुर हैं। उनका तस्करा मैंने अभी इसलिए नहीं किया, वो हैं हज़रत उमर हैं हज़रत अली हैं, वो सबको आखिर में मैंने रखा हुआ है, इसलिए कि अभी कुछ नए शख्सियात का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। फिर ये हमारे जाने पहचाने लोग हैं, इनका इंशाअल्लाह फिर ये सिलसिला होगा। तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाने के बाद बड़े जोश में थे कि नहीं मैं तो लोगों को दावत दूंगा,
तो देते थे, लोगों में दावत आम कर रहे थे। अबू उबैदा ने जब देखा कि सिद्दीक अकबर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दावत दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा अबू बकर गलत दावत तो दे ही नहीं सकते, वो तो देंगे तो हक ही की दावत देंगे। तो बस यही सुनकर मुसलमान हो गए, सिद्दीक अकबर दावत दे रहे हैं इसलिए मुसलमान हो गए, और उसके बाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हो गए। अब जब से मुसलमान हुए थे तो जो भी मुसलमान होता कुफर मुशरिकीन को पता चलता, सताया जाता, आपको भी परेशान किया गया, सताया गया, मारा पीटा गया, आपके घर वालों ने बड़ा मारा पीटा। 27 साल की उम्र थी जब आपने इस्लाम कबूल किया, 27 साल उम्र थी, नौजवान थे, है ना। तो बड़ा मारा पीटा जाता था, आपने दो मरतबा मुल्क शाम की तरफ हिजरत की, फिर आखिर में मदीने की तरफ जब सारे सहाबा ने हिजरत की तो आपने भी मदीने की तरफ हिजरत की। आप यानी कि उस यानी कि पहले ही से कुफर मुशरिकीन जो भी मुसलमान हुए थे ख़ानदान वाले पहले ही से गुस्सा थे, अबू उबैदा इब्ने जर्राह के घर वाले भी, और आपका बाप भी जो था वो आप पर बड़ा गुस्सा था कि भाग गया बंदा, है ना, यानी ये कि हिजरत कर ली, यानी कि दीन से फिर भी गया और बचकर निकल भी गया, तो वैसे गुस्सा था, जंग बद्र में आमना सामना हो रहा था। अब अबू उबैदा इब्ने जर्राह बाप को देखते और छोड़कर चले जाते हैं, इसको क्या मारना, बाप है छोड़ो, लेकिन वो ताक में था कि अबू उबैदा किसी तरह मेरे हाथ आ जाए, इसको तो आज कत्ल करना है, आज तो इसको मार ही देना है ना। हमारा दीन छोड़कर दूसरे दिन में दाखिल हो गया, तो कई मरतबा वो सामने आया, अबू उबैदा ने कई मरतबा छोड़ा, आखिरकार कई मरतबा जब ऐसा हुआ तो आखिरकार हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, है ना। आपने खुद अपने बाप को कत्ल किया, रिश्तेदारी बाप होना नहीं देखा, दीन इस्लाम ये आपने देखा कि भाई दीन इस्लाम के लिए हम किसी को भी जो है किसी का भी साथ छोड़ सकते हैं, हम किसी से भी रिश्ता तोड़ सकते हैं। ये हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने मैदान बद्र में एक कारनामा अंजाम दिया, अपने बाप को कत्ल कर दिया। और जब अपने बाप को कत्ल किया तो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में आयत मुबारक नाजिल फरमाई, अल्लाह तआला ने फरमाया कि वो लोग के जो ईमान लाए और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, और जो यानी कि अपने अल्लाह के दुश्मनों को अपना दोस्त नहीं बनाते, जो कुफर मुशरिकीन को अपना दोस्त नहीं बनाते, अगरचे वो कुफर मुशरिकीन उनके बाप दादा या भाई क्यों ना हो, तब भी वो उन्हें अपना दोस्त नहीं बनाते, ऐसे ही यही वो लोग हैं कि अल्लाह ने जिनके दिलों में ईमान को नक्श फरमा दिया है, और अल्लाह इनकी मदद रूह अमीन जिब्रील अमीन के ज़रिए फरमाता है, फरिश्तों के ज़रिए फरमाता है। ये आयत मुबारक हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह के ताल्लुक़ से अल्लाह ने नाज़िल फरमाई। हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ियल्लाहु तआला हो को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मुख्तलिफ यानी कि मुहिम पर आपने भेजा, सिपा सालार बनाकर भेजा, और जिस मुहिम में भी आप तशरीफ ले गए कामयाबी और कामरानी के साथ वापस लौटे। हद यानी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात यानी हयात तक, जब तक सरकार बाहयात थे तब तक तो जंगों में शिरकत करते रहे, हर जंग में आपने शिरकत की है और बड़ी बहादुरी से जंग करते रहे। सरकार की वफात के बाद ये यानी जितनी जंगें हुई, खालिद ने वलीद जहाँ जहाँ कमांडर थे, हद अबू उबैदा इब्ने जर्राह उसके सिपा सालार आज़म थे, यानी कि चीफ कमांडर जो है ना वो हद अबू उबैदा इब्ने जर्राह थे, और उनके मातहत में हद खालिद ने वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो आपने बड़ी बहादुरी से तमाम जंगें लड़ी है। आप जब आपने दमिश्क का मुहासरा किया तो दमिश्क के मुहासरे में यानी कि किले का मुहासरा किया हुआ था, घेरे हुए थे बाहर से, तो एक तरफ खालिद इब्ने वलीद थे, दूसरी तरफ हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह थे। अब ये खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो यानी कि किसी तरह से उसका दीवार यानी कि दीवार फांद कर, दरवाज़ा फांद कर अंदर दाखिल हुए, और यानी कि वहाँ उस किले में जो बादशाह जो अमीर था उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ, उसकी खुशी में सारे लोग जो हैं शराब पीकर बिल्कुल एकदम मस्त पड़े हुए थे, शराब वराब की महफिलें जमी थी रात भर और सब सोए पड़े थे। तो खालिद इब्ने वलीद जो है दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गए और दरवाज़े खोल दिया, दरवाज़ा खोल दिया किले का, और सारा इस्लामी लश्कर अंदर, और अंदर जाकर जो है कत्ल करना शुरू कर दिया सबको। तो इधर अबू उबैदा इब्ने जर्राह उस तरफ से उनको पता नहीं था, उधर से हाकिम यानी कि किला जो हाकिम था किले का, उसने देखा कि यानी कि अबू उबैदा इब्ने जर्राह तो अभी बाहर ही है, इनको पता नहीं है, तो उसने एक सिपाही भेज दिया, कुछ सिपाही भेज दिए कि जाकर उनसे कहो हम सुलह करना चाहते हैं,
उनसे जाकर कहो हम सुलह करना चाहते हैं। और अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु तआला के पास जब वो पहुँचे, भाई बादशाह चाहता है या हाकिम चाहता है कि सुलह कर लें, हम किला खोल देंगे आपके लिए, आप सुलह कर लें। तो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने सुलह कर ली कि ठीक है, और वो इस बात पर कि हम आपको जिज़िया यानी कि टैक्स देंगे, टैक्स अदा करेंगे, सुलह कर लेते हैं। हज़रत अबू उबैदा ने कहा ठीक है, तो सुलह कर ली। और जब सुलह कबूल कर ली, फिर जब अंदर दाखिल हुए तो फिर इधर से खालिद बिन वलीद आधे रास्ते में, इधर से अबू उबैदा इब्न जर्राह, दोनों की मुलाकात हुई। तब जाकर पता चला कि हमने तो किला फतह किया। अबू उबैदा इब्न जर्राह कहते हैं मैंने तो सुलह की है, मैंने तो सुलह की है। वो कह रहे हैं अरे मैंने फतह किया, इसको सुलह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अबू उबैदा इब्न जर्राह ने कहा लेकिन चूंकि मैं सुलह कर चुका हूँ, अमीर मैं हूँ, सिपा सालार मैं हूँ ना, तो सुलह मैंने की है तो अब उस पर बरकरार रहना होगा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने भी चूँ चिरा नहीं किया, नहीं, अमीर का हुक्म है, ठीक है आपने सुलह की है मैं कबूल करता हूँ। तो सुलह हो गई, यानी कि सुलह पर यानी कि सुलह के कागजात दस्तावेज़ तैयार हो गए, उन्होंने टैक्स देना कबूल कर लिया। और उसके बाद इस तरह के बहुत से किले फतह हुए थे। हाल यह है कि जब जंग यरमूक हुई है, जंग यरमूक फ़िलिस्तीन के करीब, यरमूक एक जगह का नाम, सामने 2 लाख का लश्कर और ये 40,000 मुसलमान थे। उस वक्त जब जंग हुई है, सारे मुसलमान यानि कि पहुंच गए मदद के लिए और जंग यरमूक में शरीक हुए। तो अब ये जितने किले फतह किए थे हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने मुल्क शाम, मुल्क इराक़ वगैरह में जितने भी किले फतह किए थे, वहाँ मुसलमान सिपाही थे, मुसलमान हाकिम थे जो किले की हिफाजत करते, शहर की हिफाजत करते और लोगों की हिफाजत करते। तो चूँकि सारे मुसलमानों को बुला लिया गया जंग के लिए, जंग यरमूक में, तो अब इन किलों की, इन शहरों की हिफाजत के लिए कोई मुसलमान सिपाही मौजूद नहीं थे। तो आपने जितना भी टैक्स वसूल किया था वो सारा टैक्स वापस कर दिया, हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम्हारा टैक्स भी हम नहीं लेंगे, सारा टैक्स वापस कर दिया सारे लोगों को। फिर उसके बाद हाल ये था कि ये जितने भी लोग थे, ये शहरों वाले, ये किलों वाले, ये जितने यानी आवाम थी, जितने लोग आबादी के लोग थे, वो रो रो कर दुआएं कर रहे थे कि काश कि ये मुसलमान वापस आ जाए। रो रो कर दुआएं कर रहे थे कि जंग यरमूक में गए हैं, 2 लाख से ज़्यादा का लश्कर रोमियों का है, ये मुसलमान अगर लौट कर वापस आ जाए, रो रो कर दुआएं कर रहे थे ऐ काश कि वो वापस आ जाए तो हमारी हिफाजत करने वाले मुहाफ़िज़ीन मौजूद होंगे, हमारे साथ इतना अच्छा सलूक करने वाले आज तक हमने कोई हाकिम नहीं देखे। तो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े रहम दिल भी थे और आप जो है बड़ा यानी मुनसिफाना मिजाज रखते थे, सबके साथ इंसाफ का मामला फरमाते थे, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे गैर मुस्लिम हो। जब मुल्क फ़िलिस्तीन यानी कि शहर फ़िलिस्तीन फतह किया, उस वक्त फ़िलिस्तीन के जो यहूदी वगैरह थे उन्होंने कहा कि हम तो यानी कि फ़िलिस्तीन देने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारे हवाले करते हैं, हमें जंग नहीं करनी है, तो हमने तो फ़िलिस्तीन दिया लेकिन हम जो है फ़िलिस्तीन का कब्ज़ा वो तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हारा जो बादशाह हो उसको बुलाओ। तो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत उमर फ़ारूक का दौर था, दौर खिलाफत था, तो ख़त लिखा। जब हज़रत उमर को पता चला तो फिर वो मशहूर वाक़िया है कि हज़रत उमर और हज़रत उनके ग़ुलाम जो खादिम थे, नौकर थे उनके, हज़रत असलम, ये दोनों निकले, एक ऊँट था और ये दोनों, दो लोग थे, दोनों ने बारी लगा दी। हज़रत उमर ने कहा कि थोड़ी देर मैं बैठूंगा, थोड़ी देर तुम बैठना, बारी लगा दी, बारी बारी बैठते उतरते यानी चलते, एक आदमी चलता एक आदमी ऊँट पर सवार होता, इस तरह बारी बारी सवार होते हुए आ रहे थे। जब बैतुल मुक़द्दस करीब आ गया तो उस वक्त हज़रत उमर के चलने की बारी थी, हज़रत असलम के ऊँट पर बैठने की बारी थी। अब हज़रत उमर उतर गए, क्या के बैठो, हज़रत असलम अर्ज़ करते हुज़ूर अब तो यानी बैतुल मुक़द्दस सामने है, अब यानी कि ग़ुलाम पैदल चले और अमीरुल मोमिनीन जो बादशाह इस्लाम है ना उनको सवार होना चाहिए। हज़रत उमर ने कहा नहीं, इंसाफ की बात यह है, अब चलने की बारी मेरी है तो मैं चलूँगा, तुमको सवार होना ही पड़ेगा। तो सवार करवाया और ये पैदल चल रहे थे, और वैसे भी यानी आपने लिबास भी कोई ऐसा नहीं पहना था कि देख कर लगे कि बादशाह है ना, आपके उस लिबास पर कई वो पैबंद लगे हुए थे, जिसको हम ठिगना कहते हैं ना, पैबंद लगे हुए थे, फटे हुए थे, तो सिया हुआ कई जगहों से लिबास जो है वो सिया हुआ था। इस शाम के साथ जब पहुंचे वो इस्तकबाल के लिए, सारे ईसाई जो यानी कि अमीर थे, हाकिम थे, वो बड़े बड़े लोग जो है वो इस्तकबाल के लिए आए हुए, ये दो लोग आए हैं।
अब पहचान में नहीं आ रहा कि इसमें बादशाह कौन है, नौकर कौन है, पता नहीं चल रहा। लेकिन हत अबू उबैदा इब्ने जर्राह आगे बढ़े, हत उमर से मुसाफा किया, मुलाकात की, और हत असलम नीचे उतर गए और हत उमर के पीछे पीछे चलने लगे, तो लोग समझे, ईसाई समझे कि हाँ भाई ये जो आगे चल रहा है बंदा वो बादशाह इस्लाम है, वो इस्लाम का बादशाह, और जो पीछे हैं वो उनके खादिम और ग़ुलाम हैं। बहरहाल जब यानी कि अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने बैतुल मुक़द्दस हत उमर के हवाले किया, तो उसके बाद हत उमर कहते हैं, यानी हत अबू उबैदा ने कहा कि चलें गवर्नर हाउस चलते हैं, तो हत उमर कहते नहीं, पहले तेरे घर जाऊंगा, पहले तेरे घर जाना है। हत अबू उबैदा कहते हैं हुजूर मेरे घर जाकर क्या करना है, आपकी तैयारी, आपका कमरा, सब कुछ जो कुछ इंतज़ाम है ना वो गवर्नर हाउस में किया गया है, वहाँ बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, आराम से आप रहिएगा। कहा नहीं, पहले तेरा घर, मुझे तेरा घर देखना है। अब ये कहते हैं ज़बरदस्ती की इसरार किया कि नहीं तुम्हारे घर ही जाना है, तो हत अबू उबैदा ने कहा ठीक है, अब आपका शौक़ है मेरे घर जाने का तो चलो मैं ले चलता हूँ। घर ले गए, दरवाज़ा खोला, हत उमर अंदर दाखिल हुए तो देख कर ऐसे चौंक गए, हत उमर चौंक गए, क्यों, इसलिए कि पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ था, एक कमरा था, पूरा कमरा खाली था, बस एक मशकीज़ा, चमड़े का पानी का मशकीज़ा लटक रहा था और तलवार लटक रही थी, बस इतना, ये दो या तीन चीज़ें थी बस इतना, और एक बिस्तर यानी कि वो खजूर की खाल भर कर, चमड़े में भरी हुई खाल का बिस्तर था और एक तकिया जिसमें खजूर की खाल भरी हुई थी, बस इतना सामान आपके उस घर में था। हत उमर कहते हैं मैं वजीफ़ा भेजता हूँ, यानी कि वो जो तनख्वाह मैं तुम्हें भेजता हूँ तो मिलती है कि नहीं मिलती है। कहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सालाना जो वजीफ़ा है वो मुझे मिल जाता है। तो क्या करते हो, क्या जैसे ही आप भेजते हैं मुझे मिलता है, मैं फ़ुकरा मसाकिन में तकसीम कर देता हूँ। क्या तुमने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं, अपने लिए कुछ किया ही नहीं, क्या कि मैंने तो बस आखिरत के लिए तैयारी की हुई है, आखिरत के लिए तैयारी की है। ये हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, न मैदान जंग में कभी आप किसी से खौफ खाया, न कभी किसी से डरे, और अपनी रियल लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में भी न फ़क्र फ़ाका से खौफ किया। जो भी वजीफ़ा तनख्वाह आती सबका सब फ़ुकरा मसाकिन में तकसीम, कल क्या खाऊँगा, रात में क्या खाऊँगा, दिन में क्या खाऊँगा, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल और भरोसा। तो हत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी ही बहादुरी से आपने ज़िंदगी गुजारी। उमवास का ताउन, मुल्क शाम में ताउन फैल गया। हत अबू उबैदा, ये सन हिजरी 18, सन हिजरी 15 में ये यानी कि यरमूक की जंग हुई है और बैतुल मुक़द्दस वगैरह फतह हुआ। सन हिजरी 18 में आप सिपा सालार आज़म हैं पूरे इस्लामी लश्कर के, और दमिश्क वगैरह में मुल्क शाम में आपका क़याम है, पूरा लश्कर भी वहीं पर है। तो सन हिजरी 18 में ताउन की वबा फैल गई, ताउन कहते हैं प्लेग को, प्लेग की बीमारी फैल गई। तो हाल ये होता कि यानी कि बीमारी लगती और बीमारी लगने के बाद उल्टियां होती, खून की उल्टी होती वगैरह, और फिर इंतकाल हो जाता। बहुत से सहाबा इकराम शहीद हुए, बड़ी बड़ी शख्सियतें उस ताउन की बीमारी में शहीद हो गई, और ताउन की बीमारी में वफात पाने वाले शहीद होते हैं, उन्हें मकाम शहादत मिलता। तो बहुत से लोग शहीद हुए थे। हत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन थे, तो आप जो है वो मुल्क शाम जा रहे थे, एक मकाम पर पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो आपको पता चला कि भाई ताउन की बीमारी फैली हुई है। वहां पर हते यानी कि अबू उबैदा इब्ने जर्राह भी उस जगह आए हुए थे, हत उमर भी वहां, दोनों की मुलाकात हुई, और दोनों की मुलाकात हुई तो पता चला कि ताउन मुल्क शाम में तो ताउन फैला हुआ है। तो सहाबा से मशवरा हुआ कि क्या करना चाहिए। सहाबा ने मशवरा दिया अमीरुल मोमिनीन वापस जाना चाहिए, अब आगे नहीं जाना चाहिए, वापस मदीना लौटते हैं, ताउन वाली जगह नहीं जाना चाहिए। तो हत उमर ने कहा कि ठीक है हम वापस जाते हैं, हम अंदर जाएंगे नहीं। तो हत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा अमीरुल मोमिनीन तकदीर से भाग रहे हो, तकदीर से भाग रहे हो। तो हत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने जवाब दिया हाँ हम तकदीर से तकदीर की तरफ भाग रहे हैं। तकदीर यानी ताउन का फैलना अगर तकदीर है तो हमारा वहाँ न जाना, मदीना लौट जाना ये भी तकदीर है, ये भी तकदीर। तो हाँ हम तकदीर से तकदीर की तरफ भाग रहे हैं। और अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारक सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ ताउन की बीमारी फैली हो वहाँ जाना नहीं चाहिए, वहाँ जाना नहीं चाहिए, और जहाँ फैली है वहाँ के लोगों को वहाँ से निकलना नहीं चाहिए। वहाँ हैं तो वहीं रहो, और जो बाहर है वो बाहर रहे, अंदर दाखिल ना हो। तो हत उमर फारूक लौट आए, लेकिन टेंशन था कि अबू उबैदा तो वापस लौट गए,
साथ में आए नहीं, तो टेंशन ये था कि इनको वापस बुलाया जाए। तो ख़त लिखा कि अबू बदा मुझे एमरजेंसी, बहुत अर्जेंट काम आ गया है, आप जल्दी फौरन हाजिर हो जाओ मदीना, फौरन हाजिर हो जाओ। अबू उबैदा इब्ने जर्रा ने जब ये ख़त पढ़ा, देखा, आप समझ गए कि अमीरुल मोमिनीन मुझे क्यों बुला रहे हैं, समझ गए कि ये चाहते हैं कि मैं ताऊन से बचकर आ जाऊं। तो इन्होंने जो है जब ख़त देखा, मुस्कुराए और जवाब लिखा, अमीरुल मोमिनीन मुझे पता है कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, लेकिन मैं अपना लश्कर छोड़कर, अपने मुसलमान भाइयों को छोड़कर मैं नहीं आ सकता, मैं यहीं पर रहूँगा, मैं यहीं पर रहूँगा, जो तकदीर में होगा अल्लाह के हवाले कर दिया, जो होगा तकदीर में वो होकर रहेगा। ये जवाब जब गया तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने वापस जवाब दर जवाब लिखा कि आप जो है अपने यानी लोगों को लेकर किसी यानी मरतूब मकाम, गिले भेज वाले मकाम, हमारा ये नौसारी का इलाका, ये इलाका जो है वो मरतूब है, यानी भेज, हमारी हवाओं में भेज है, भेज समझते हैं कि नहीं समझते हैं, हाँ नमी है, इसमें पानी होता है, ये दरिया करीब है इसलिए इसमें नमी, जितने भी पैर दुखने वाले, घुटनों में दर्द हैं, ये लोग अगर अहमदाबाद की तरफ चले जाएं, नडियाद अहमदाबाद की तरफ चले जाएँ तो इनके पैर अच्छे हो जाएंगे, दर्द जो है वो अच्छा हो जाएगा, जितनों के पैर दुखते हों, और यहाँ रहेंगे तो पैर दुखते ही रहेंगे। तो बहरहाल ये जो है मरतूब इलाका था, तो हज़रत उमर ने कहा कि अपने लोगों को उस तर नमी वाले इलाके से किसी खुश्क जगह पर ले जाओ, मकाम जाबिया और यानी बुलंद जगह पर और खुश्क इलाके में चले जाओ। तो मकाम जाबिया वो जगह थी कि जो बुलंदी पर भी थी, ऊँचाई पर थी, है ना, आप देखें कि नौसारी नीचाई पर, नशेब में है, नीचाई पर है, इसके मुकाबले में धर्मपुर हो, चाहे वाजदा हो, चाहे वगई हो, ऊपर सापुतारा, ये सब ऊंचाई वाले इलाके हैं। तो आपने फरमाया कि ऊंचाई वाले इलाके पर अपने लोगों को ले जाओ, अपने लश्कर को ले जाओ और किसी खुश्क मकाम पर। तो उन्हें सारे लश्कर को भेज दिया गया, हज़रत अबू उबैदा भी गए, लेकिन हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह को ताऊन की बीमारी लग चुकी थी, वहाँ मकाम जाबिया ही में आप ताउन ही की बीमारी में वफात, यानी कि शहादत पाई आपने। तो ये एक बहादुर सिपाही थे, बहादुर सिपा सालार, सिपा सालार आज़म, पूरे इस्लामी लश्कर के सिपा सालार आज़म। उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत जो है वो 36 मुरब्बा मील, मुरब्बा कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर को, है ना, स्क्वायर को हम कहते हैं स्क्वायर फिट, ये है स्क्वायर माइल, माइल जो है ना 1.60 किलोमीटर का होता है, एक मील जो है वो 1.60 किलोमीटर का होता है, यानी 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा का एक मील होता है, और ये है 1 स्क्वायर मील, 1 स्क्वायर मील, जैसे 1 स्क्वायर फुट चारों तरफ से एक फुट हो वैसे ही 1 स्क्वायर मील। तो इस तरह 36,000 स्क्वायर मील पर हज़रत उमर की हुकूमत थी, और उस पूरी हुकूमत इस्लामिया के सिपा सालार आज़म हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, अमीनुल उम्मत और अशर मुबशरा में से हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके नक्श कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।